हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री का आज हम लोग सल्तनत काल का आखिरी चैप्टर लोदी वंश पढ़ेंगे। इसके बाद लोदी वंश के बाद हम लोग देखते हैं पानीपत के युद्ध के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में होती है। तो आखिरी चैप्टर का हम लोग जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, उन सबको सॉल्व करेंगे। इसके पहले का भारत पे अरबों के आक्रमण से लेकर के अभी तक के मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको पढ़ाया हुआ है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ जा कर के आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं और पूरा वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके बाद हम लोग मुगल वंश से लेकर के भारत पर अंग्रेज़ों के आक्रमण तक का पूरा सनवाइज पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मसूद शाह या फिर बहलोल लोदी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इसका डिटेल देखते हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली के शासन का त्याग कर दिया, जिसके पश्चात बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। सेकेंड क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरों के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ये UPPCS मेंस में भी आया है, उत्तराखंड आरओ 2016 भी रिसेंटली पूछा गया है। आप लोग देखिए, ऑप्शन दिए हैं फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर सिकंदर लोदी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, ये फिरोज तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके साथ साथ दान विभाग, खैरात विभाग जिसको बोलते हैं उसकी, इसके साथ साथ एक हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं दारुल शफा, उसकी भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की किससे हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें दिया है सैयद वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है, यमुना के किनारे मुरादाबाद की मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। फर्स्ट सही है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रयते आला की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था जिसने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, मुहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने खान की उपाधि को धारण उपाधि से विभूषित किया था। ये फोर्थ पॉइंट भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग याहिया बिन सरहिंदी जिसने लिखा था तारीख़े मुबारक शाही, इसको किसने अपने उसमें दिया था? तो ये मुबारक शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह नहीं, मुबारक शाह ने इसे अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा और मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, महमूद शाह या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होता है, फिरोज तुगलक। इसका डिटेल देखते हैं, हरियाणा की यमुना नगर जिले से टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। मेरठ से एक स्तंभ ला करके उसे भी दिल्ली में स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल किया, उसने दस्तकारों को प्रशिक्षण दिलाकर कारखानों में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह, खिज्र खां, मलिक सरवर या मोहम्मद शाह। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था।
सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी और तैमूर के जाने के बाद उसने रैयत आला की उपाधि धारण कर शासन किया तथा सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। फुतुहाते फिरोज शाही की रचना किसने की? उत्बी अलबरूनी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इब्न बतूता? इसमें थर्ड ऑप्शन सही होता है, फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की थी। इसका भी देख लेते हैं, फुतुहाते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेश को एकत्र किया गया है। इसमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित ये शायद गलत है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित जीवन की कहानी है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक साम्राज्य का ऐसा सुल्तान था जिसने 1391 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर राज्य जो कि 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था, क्या ये सही है? ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही है। दूसरा देखते हैं, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए जो कि अकबर के शासनकाल तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड है, इसके शासनकाल में अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, बहलोल लोदी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पॉइंट भी सही है। इसमें तारीख़े दाऊदी के लेखक अमीर खुसरो के अनुसार बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था, वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था जब अपनी सरदारों के साथ वो मिलता था, तो ये पॉइंट गलत है। तारीख़े दाऊदी के बारे में, बहलोल लोदी के बारे में ही लिखा गया है, लेकिन अमीर खुसरो इसके रचनाकार नहीं है। तारीख़े दाऊदी के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अब्दुल्ला, तारीख़े दाऊदी अब्दुल्ला ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका देखिए यहाँ पर यूपी लोअर पीसीएस स्पेशल में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था या कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका भी यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। कुतुब मीनार की निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था जिसे इल्तुतमिश ने पोड़ कराया। इल्तुतमिश ने चार मंजिला बनवाया था परंतु 1370 में बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई और चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलें बनवा दी जिससे कुतुब मीनार पाँच मंजिल की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़े मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? मुबारक शाह, मलिक सरवर, मोहम्मद शाह या नासिरुद्दीन महमूद? तो इसमें तारीख़े मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही होता है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत काल के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दो बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में 1994 में और यही रिपीट किया गया है 2004 में भी। वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था या घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिर फिरोज तुगलक, फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होता है, ये था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक को अद्धा, विख और शशगनी नामक चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है? गैसुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या नसरत शाह? तो अद्धा, विख और शशगनी नामक सिक्के चलाने का श्रेय फिरोज तुगलक को जाता है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन दिया गया है,
गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। तो इसमें नसीरुद्दीन महमूद थर्ड ऑप्शन सही होता है। तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं। 1398 में आक्रमण किया था और इसी के समय मलिक कुशरकर नामक एक उपाधि धारण करके मलिक सरवर ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ दाऊदी के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? बरनी, अब्दुल्ला, मिन्हाज उस सिराज या फिर अमीर खुसरो। अभी मैंने ऊपर बताया है तारीख़ दाऊदी के लेखक, सेकेंड ऑप्शन अब्दुल्ला सही होता है। अब्दुल्ला थे तारीख़ दाऊदी के लेखक। यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था तथा वह अपने दोस्तों को की तरह सरदारों से मिलता था, पर सिंहासन पर तब तक नहीं बैठता था जब तक कि उसके अमीर सरदार ना बैठ जाएं। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम शाह, आलम शाह, मुबारक शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम शाह था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम शाह ने 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और लोदी वंश का वह सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस शासक ने लोदी शासक ने भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर आलम लोदी। तो यहाँ गजे सिकंदरी की बात हो रही है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही होता है। सिकंदर लोदी ने एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का निर्माण किया था। सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम भूमि पैमाइश के लिए प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, जो कि 30 इंच का, लगभग 30 इंच का होता था। आगरा शहर की नींव किस शासक ने रखी थी? अकबर, बहलोल लोदी, हुमायूं या फिर सिकंदर लोदी। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही होता है, आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी ने रखी थी और उसी आगरा शहर को ही उसने अपनी राजधानी बनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, 1536 में, 1552 में या 1526 ईस्वी में। फोर्थ ऑप्शन सही होता है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और सल्तनत युग का अंत हो जाता है और मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? मोहम्मद शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था यह था सिकंदर लोदी। इसका डिटेल देखते हैं, इब्राहिम लोदी का एक नाम गुलरुख भी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। लज्जत ए सिकंदर शाही निम्नलिखित में से क्या है? सल्तनत के विस्तार का शाही तरीका, विशेष सुविधा प्राप्त मदरसे, एक प्रकार का धार्मिक कर या संगीत प्रधान फारसी ग्रंथ। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? लज्जत ए सिकंदर शाही एक संगीत प्रधान फारसी ग्रंथ है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं, सिकंदर लोदी को कविताएं लिखने का शौक था, वह स्वयं गुलरुख के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी के समय में गान के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो कि भारतीय संगीत पर प्रथम भारतीय ग्रंथ है। क्वेश्चन है, किस शासक के आदेश पर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया? ये ऐसे भी प्रश्न आया है कि फरहंगे सिकंदरी है क्या, मतलब ऑप्शन में कई ग्रंथ लिखे थे, उसमें आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। यहाँ पे है, किसके आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? तो आदेश था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर मुबारक शाह। तो फरहंगे सिकंदरी नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ उसका फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करें। यहाँ पे चार कूट दिए गए हैं, आपको सही बताना है।
सिकंदर लोदी ने अपने गुप्तचर विभाग की सहायता से शासन में सरदारों पर नियंत्रण रखा, यानी कि अमीर सरदार जो कि बहलोल लोदी के शासनकाल में नियंत्रण में नहीं थे, मतलब वो उनका बहुत ज़्यादा आदर करता था, लेकिन ये क्या किया, सरदारों पर नियंत्रण रखा। सही है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और मदरसों को शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा उसने क्या किया था, मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजारों पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। थर्ड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सिकंदर लोदी ने राज्य के हिसाब किताब की लेखा प्रणाली की शुरुआत की और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाया जिससे लोगों को आर्थिक समृद्धि में बढ़ावा मिले। ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। चौथा है, इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाइयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। ये फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर हम लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही साबित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग मुगल साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी मुझे प्लीज़ बताइए, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। और नेक्स्ट टाइम से आप और किस विषय पे और क्या चीज़ जानकारी चाहते हैं वो भी मुझसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।